तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड एनिमे सीरीज के एपिसोड 1 की कहानी को जानेंगे। और अगर आपने अभी तक इस एनिमे सीरीज को नहीं देखा है तो मेरा विश्वास मानिए, ये सीरीज आपको ज़रूर पसंद आएगी। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम 4 लोगों को देखते हैं जो किसी तरह से हमारे दुनिया से टेलीपोर्ट होकर एक अलग दुनिया में आ गए थे, जहां पर अभी भी राजा महाराजाओं का राज था। अदर वर्ल्ड में आकर वो चारों लोग पूरी तरह से हैरान थे, जिस पर किंगडम की राजकुमारी उन्हें बताती है कि उन लोगों को यहां पर मदद के लिए बुलाया गया है। इसके बाद राज्य का जादूगर इन लोगों के पावर को डिटेक्ट करता है। दरअसल इन लोगों को भी नहीं पता था कि उनके पास कोई सुपर पावर भी है। जादूगर देखता है कि उनमें से एक लड़के के पास होली स्वर्ड को चलाने की पावर थी, तो एक लड़की के पास सभी एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन पावर की मदद से वो राजा की मदद कर सकते थे। लेकिन कहानी के मेन किरदार और हमारे हीरो तुसुयासी के पास ग्रोसरी स्टोर की पावर होती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग और तुसुयासी भी हैरान था क्योंकि ये बहुत अजीब सी पावर थी। इसके बाद राजा सभी को बताते हैं कि किस प्रकार उनके राज्य पर डेमन किंग ने हमला कर दिया है और वो लोगों को मार रहा है, जिसे रोकने के लिए इन्हें बुलाया गया है। तुसुयासी के सभी दोस्त अपने पावर की मदद से डेमन किंग से लड़ने के लिए राजी हो जाती हैं, लेकिन तुसुयासी इसके लिए राजी नहीं होता है क्योंकि उसके पास बेकार सी ग्रोसरी स्टोर की पावर थी, जिसकी वजह से वो डेमन का सामना नहीं कर सकता था। राजा को भी तुसुयासी की प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि वो अपने यूजलेस पावर से उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो तुसुयासी को कुछ गोल्डन क्वाइन देकर राज्य में रहने की इजाज़त दे देते हैं। अब तुसुयासी जब गोल्डन क्वाइन लेकर राज्य में एक आम नागरिक की तरह रहने के लिए निकल पड़ता है, सबसे पहले तुसुयासी अपने कपड़े चेंज करता है और इस ज़माने के कपड़े पहन लेता है, क्योंकि इसके पहले सभी लोग तुसुयासी के कपड़ों की वजह से उससे ही देख रहे थे। अब तुसुयासी किसी तरह खुद के लिए रेंट पर एक कमरे का इंतजाम कर लेता है, और जब वो अपने कमरे में होता है तो अपनी शक्तियों को अनलॉक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके पास कौन कौन से सुपर पावर है। इस दौरान तुसुयासी को पता चलता है कि वो अपने ग्रोसरी शॉप के पावर की मदद से कहीं भी खाने पीने की सामान मंगा सकता है, और साथ ही वो अपने पावर की मदद से किसी भी व्यक्ति के रैंक और उसके पावर को देख सकता है। तुसुयासी को एहसास होता है कि वो अपने ग्रोसरी स्टोर से खाने पीने की सामान बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकता है, इसलिए वो दूसरे राज्य में जाने का डिसाइड करता है ताकि अपने ग्रोसरी शॉप की दुकान खोल सके। तुसुयासी एक घोड़े गाड़ी में बैठकर दूसरे राज्य की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में तुसुयासी को एक बूढ़ा व्यापारी मिलता है, जिससे जब तुसुयासी ग्रोसरी शॉप के पावर के बारे में पूछता है तो व्यापारी तुसुयासी को बताता है कि ये पावर काफ़ी ज़्यादा रेयर है, जो लाखों में किसी एक के पास होती है, और हर व्यापारी का सपना होता है कि ये पावर उसके पास हो, ताकि वो अपने पावर के इस्तेमाल से अपने शॉप पर ग्रोसरी के सभी सामान इजीली अवेलेबल करा सके। अब व्यापारी तुसुयासी को बताता है कि डेमन किंग के हमले के बाद कोई भी गाड़ी पड़ोस के राज्य में नहीं जा रही है। व्यापारी की बात सुनकर तुसुयासी परेशान हो जाता है कि अब वो पास के राज्य में कैसे जाएगा। इसके बाद तुसुयासी एक ऐसे ग्रुप से मिलता है जो पैसे लेकर काम किया करते थे। तुसुयासी उन्हें अपने साथ पास के राज्य में चलने के लिए कहता है, ताकि रास्ते में अगर कोई उस पर हमला करे तो वो हैंडल कर ले। एडवेंचर ग्रुप तुसुयासी के साथ जाने के लिए राजी हो जाती हैं, जिसके बदले वो तुसुयासी से 8 सोने के सिक्के लेते हैं। सफर में जब सभी लोग एक जगह पर रुकते हैं तो तुसुयासी अपने ग्रासरी साहब के पावर के इस्तेमाल से उन्हें टेस्टी खाना खिलाता है, तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे,
क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था। ग्रुप के लोग तुसियासी से बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये लोग अपना सफ़र फिर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन रास्ते में जाइंट मक्खियाँ इनके ऊपर हमला कर देती है, जिससे एडवेंचर ग्रुप के लोग बड़े ही आसानी से मार गिराते हैं कि तभी झाड़ियों में से एक बड़ा सा जंगली सुअर निकलता है, जो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन एडवेंचर ग्रुप के लोग जंगली सुअर को भी मार गिराते हैं। अब इनके पास ढेर सारा मीट था, जिसे तुसियासी अपने मैजिकल शॉप में रख लेता है और ये आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। शाम होने पर जब ये लोग एक जगह पर रुकते हैं, तो तुसियासी एक बार फिर से सभी को टेस्टी मीट बनाकर खिलाता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे थे। तुसियासी जब अपने पावर की मदद से उनके लेवल को देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसके द्वारा बनाया गया खाना खाने के बाद उन सभी का लेवल और पावर बढ़ गया है। अब सभी लोग खाने को एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक जायंट वुल्फ आ जाता है, जो तुसियासी से खाना मांगता है। जायंट वुल्फ को देखकर एडवेंचर ग्रुप के लोग डर कर छुप जाते हैं, और वहीं तुसियासी जल्दी जल्दी जायंट वुल्फ को, जिसका नाम फेरर था, उसे खाना बनाकर खिलाता है। काफ़ी देर तक खाना बनाकर खिलाने के बाद कहीं जाकर फेरर का पेट भरता है और तुसियासी पूरी तरह से थक जाता है। अब फेरर तुसियासी से खुश होकर अपने साथ एक बॉन्डिंग साइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद तुसियासी और फेरर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अब क्योंकि तुसियासी को इस बॉन्डिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो एडवेंचर ग्रुप से पूछता है, जिस पर वो तुसियासी को हाँ बोलने के लिए कहते हैं। तुसियासी के हाँ बोलने के बाद फेरर एक दूसरे का सिर आपस में लगाता है, जिससे उन दोनों के बीच में एक मैजिकल बॉन्ड बन जाता है। फेरर जब तुसियासी को बताता है कि हम दोनों अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, इसलिए तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा और दिन में 3 बार खाना खिलाना होगा, तो तुसियासी पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि फेरर को दिन में 3 बार पेट भर खाना खिलाना कोई आसान काम नहीं था। वहीं फेरर काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे खाना खिलाने वाला मिल गया था। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप भी पेट भर खाना खाते रहिए, बजाते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और साथ में देखते रहिए एक्वा एक्सप्लेन टीवी।